नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। मार्फिन बरामद। सिद्धार्थनगर जिले की डेबरुआ पुलिस और एसएसबी की टीम को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोनों फोर्सेस के संयुक्त रूप से चलाए गए चेकिंग अभियान में नेपाल से तस्करी कर लाए जा रही मार्फिन के साथ दो तस्कर धर दबोचे गए हैं। इनके पास से 140 ग्राम मार्फिन बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 42 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए जय नारायण चौधरी और किशन थारू नेपाल देश की कपिलवस्तु जिले के निवासी हैं। इसकी तस्करी ये काफी लंबे समय से कर रहे थे। नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए दोनों अभियुक्तों को पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। पुलिस पकड़े गए दोनों तस्करों को समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज रही है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। आज ये एसएसबी के साथ सिद्धार्थनगर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में दो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक जय नारायण है, एक अपराधी, और एक किशन है। ये दो अपराधी हैं, नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 140 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 42 लाख है। ये पहले भी कई बार जो है इनके नाम संज्ञान में आए थे, लेकिन पुलिस की पकड़ से बच रहे थे। तो पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करके जेल किया।